क्या टाइम हो रहा है? जाने का समय है तो नहीं, लेकिन जाइए आप। आइए चलाओ, बहुत बढ़िया। एक तर्क किया नीलम जी ने, कहा शंभु भैया पता नहीं कैसे आपने लिख दिया कि तेरा नौ निहाल न निहाल चला जाएगा। बिटिया बस इसीलिए कहते हैं आपसे। अच्छा 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 अच्छा, लाइए लाइए लाइए, पैसे जरूर दीजिए। ये ऊपर से है ना? ये राज बहादुर सिंह जूदेव झमटुली वाले, आपकी ओर से ये 501 रुपए का इसने आया है। राज बहादुर भैया बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और ये मजगुआ वाले फूफा जू दशरथ सिंह जी, आपकी ओर से ये 101 रुपए का इसने आया है। सभी दानदाताओं को साधुवाद है, धन्यवाद है। आपने कहा शंभु भैया आपने पता नहीं कैसे लिख दिया कि तेरा नौ निहाल ननिहाल चला जाएगा। वहां दशरथ जी, वहां भरत जी ननिहाल जा चुके थे। बिटिया रानी किसने टुकवा दिया आपसे? ऐसी गलती क्यों किया करते हो आप लोग? मैं जब भी बोलूंगा तो पढ़कर ही बोलूंगा। बिल्कुल, मैं किसी दूसरे की बात थोड़ी बोल रहा हूं कि हमारे साथ कोई लेखक है जो हमको बता देगा कि ऐसे से ऐसा करो। हम लोग तो अपने कर्ता धरता है ना, सब माइंड मेकअप अपने हाथ से करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। आपको कोई बता देता है तो आप उसी हिसाब से तर्क कर दे। पढ़िए पहले, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना उलर खिलौना। ठीक है, पर बात ये है नीलम जी कि पढ़िए आप, और जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक इस तरह के महीन तर्क आपको नहीं आएंगे। बिल्कुल, कुछ चीजें कान से लीड हटाकर भी सुना करिए, और क्या, जो कि जरूरी है। आइए, खैर कोई विषय नहीं है, चलाऊ बिल्कुल एक छोटा सा कट पीस दिए दे रहा हूं। चलिए आप लोगों की सेवा में, मैंने तुमको दिली। बहुत बढ़िया, एक गीत फिल्मी कलाकारों ने गाया। क्या? अरे मैंने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम, ये फैसला जो दिल ने किया है, ये फैसला जो दिल ने किया है, तो ये फैसला जो दिल ने किया है, ये भी न पूछा कौन, ये फैसला जो दिल ने किया है, ये भी न पूछा कौन हो तुम, फैसला जो दिल ने किया है, ये भी न पूछा कौन हो तुम। होता क्या है नीलम, तुम बहुत सुलझी और अच्छी लड़की हो, बहुत बढ़िया, बहुत विद्वान लड़की हो, बहुत गजब लड़की हो, बहुत शालीन लड़की हो, ये कोई जोड़ नहीं है तुम्हारा। बस दो तीन लोगों की बात न मानो तो। आइए सुनिएगा, बिल्कुल छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, और बिटिया रानी सुनना हमारी बात, सुनिए। कि परम आत्मा परम पूज्य है, कि परम आत्मा परम पूज्य है, पर ब्रह्म तो एक है, एक है दूसरा नहीं है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अरे परम आत्मा परम पूज्य है, पर ब्रह्म तो एक है, और प्रजापिता सृष्टि के रचैया,
कि प्रजा पिता सृष्टि के रचैया वो ब्रह्मा भी एक है। पार ब्रह्म एक है वो ब्रह्मा एक है। ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है। क्या बात है, क्या बात है? ब्रह्मा यानी पद, ब्रह्म यानी कि शाश्वत। ये क्या बात, बहुत समझते रहिए ना, सुनेगा। अरे परम आत्मा परम पूज्य है, पर ब्रह्म तो एक है, और प्रजा पिता सृष्टि के रचैया वो ब्रह्मा तो एक है। तो मुख मंडल में सृष्टि दिखाई, अरे कान्हा ने जब माटी खाई, तो मुखमंडल में सृष्टि दिखाई वो ब्रह्मांड भी एक है। पर ब्रह्म ब्रह्मा और ब्रह्मांड ये, अरे मुखमंडल में सृष्टि दिखाई वो ब्रह्मांड भी एक है। सृष्टि दिखाए वो ब्रह्मांड एक है। तो मुख मंडल में सृष्टि दिखाई, कान्हा ने जब माटी खाई, अरे कान्हा ने जब माटी खाई वो ब्रह्मांड भी एक है। कान्हा ने जब माटी खाई वो ब्रह्मांड एक है। कन्हैया लाल की, बोलिए नंद गोपाल की, बोल बोल टमरुआ वाले की। आइए आमंत्रित कर रहा हूँ पुनः अगले चरण में सम्मानीय नीलम विश्वकर्मा जी और सभी अपने साथियों को, सभी भाइयों को। आइए, स्वागत है, स्वागत है। मुखमंडल में सृष्टि दिखाई वो ब्रह्मांड भी एक है। स्टेशन पास में है। हेलो, हाँ।
हेलो 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 बढ़िया ठीक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कार्यक्रम सुना है अभी आप लोगों ने हमारे सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री शंभू अलचल जी के द्वारा बहुत बढ़िया बढ़िया कहा है बेटा किसके कहने से टोक देती हूँ हम सेल्फ हैं हम जो कुछ करते हैं पढ़कर करते हैं तुम सुनी सुनाई बात को टोक देते हैं जो कुछ कर रहे हैं नटखट महाराज कर रहे हैं शंभू भैया जी आपको बता दूं किसान खाक आप कह रहे हैं आपका जो खंड गीत था कि ननिहाल नौनिहाल जब ननिहाल चला जाएगा तो ये योजना एक दिन पहले या दो दिन पहले या महीनों से चल रही है मेरे मन में जो शंका थी मैंने पूछा है क्योंकि भरत ननिहाल जा चुके थे वो जब जा चुके थे यहाँ राज अभिषेक होने वाला है सुबह और ये रात भर में मंत्रा ने योजना बना दी वो जब बात बना दी अब देखिए उधर वरदान मांग लिए तो मेरी एक शंका थी आप कह रहे हैं किसके द्वारा आपने किसके कहने से टोक दिया और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि हम ऐसे ही गीत डालेंगे बिटिया तुमको बड़ा करना है क्योंकि बड़े भैया आप जो गाना चाहें वो गाएं और का बेटे चिंता है क्योंकि वास्तव में आप बड़े भैया हैं मैं छोटी बहन हूँ लेकिन मंच पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं जो समझौता होगा वो घर में होगा रिश्ता घर में आइए बहुत ही बढ़िया गीत आया है बहुत बढ़िया आपने कहा है हद कर दी मैंने मैंने कहा हद कर दी आपने आप कह रहे प्रभु मैंने प्रभु खुद कह रहे हैं भक्त से कि हद कर दी मैंने मैंने 30 रुपए के 30,000 दिए हद कर दी मैंने तो उधर सुदामा जी को जो सारी संपत्ति का मालिक बनाए दे रहे थे तो हद ही नहीं वहां तो महाहद हो जाते कि वहां तो कोई गिनती ही नहीं है जो सुदामा जी है वो स्वयं कृष्ण बने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि स्वयं कन्हैया भगवान कह रहे हैं हद कर दी मैंने और आपने एक और बात को टोका है कि वो व्यास व्यास नहीं है देखिए व्यास यजमान से कुछ नहीं मांग रहा है वो जाकर प्रभु से अपनी वार्तालाप कर रहा है रामदास को मिले 300 क्षमा कीजिएगा राम कली को मिले 300 रामदास को 30 ये बारीक आप समझे नहीं है बारीकियां आप समझे नहीं है क्योंकि राम कली और रामदास एक ही राशि के हैं लेकिन आइए हद कर दी मैंने और हमारे रमाकांत भैया बजा रहे हैं शंकर जी का डमरू हमको लगता था शंभू भैया हमारे त्रिशूल लेकर खड़े हो जाएंगे जाओ जाओ भोलेनाथ कि हमने तुमको दिल ये दे दिया ये भी न पूछा कौन हो तुम हमने तुमको दिल ये दे दिया ये भी न पूछा
दिखा दिया है। आइए समय को देखते हुए पंक्तियां पढ़ रही हूँ। कि पवन सुनो उनचास मिले, क्या ढोलक बजा रहे बेटे, बड़े पवन सुनो उनचास मिले पर मिला नाम बस एक है। इसको कहते हैं मरुत। क्या बात, पवनों में से नाम चले मरुत उनचास। कहना कि पवन सुनो उनचास मिले पर मिला नाम बस एक है, तो पीठ मिले इन क्या वन लेकिन मिला नाम बस एक है। इनक्यावन पीठ है लेकिन उनको शक्ति पीठ ही कहा जाएगा। क्या बात बड़े, क्या बात। कि पीठ मिले इनक्यावन लेकिन मिला नाम बस एक है, तो सभी धर्म ये साथ निभा, सभी धर्म ये साथ निभाए सबका मालिक एक है, धर्म ये साथ निभाए सबका मालिक एक है, सभी धर्म ये साथ निभाए सबका मालिक एक है, सभी धर्म एक साथ निभाए दरबार की जय। चलो लॉकडाउन खुल गया। आइए जैसा कि आदेश हुआ है और ये हमारे मानी शमानी बड़े भैया, भैया श्री विक्रम राजा भैया, आपके माध्यम से ये 101 पत्र मुद्राएं इन जवाब पंक्तियों पर भेंट हो रही हैं। माता भवानी सदैव आपके अंग संग रहें और आपका स्नेह हमारे साथ ऐसा ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। आइए सुनिए।